सो वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग आपको लेकर आए हैं उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के ठीक पीछे बने जंगल में। आप देख रहे होंगे यार सुहेल कहाँ है आज, इतना गह पीछे पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। एक्चुअली मुद्दा है कि आपने कुछ दिन पहले यहाँ शहर के बीच बने मीरा गर्ल्स कॉलेज एमजी कॉलेज के यहाँ पर एक पैंथर का मूवमेंट का एक वीडियो वायरल हुआ था और बहुत चर्चाओं में भी रहा कि शहर के बीच में जो है पैंथर आने लग गए हैं। और उसी के मद्देनज़र जो है अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रेलवे ट्रेनिंग, दोस्तों यार एक मूवमेंट की आवाज़ हुई, एक्चुअली मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है तो हमें, क्योंकि जंगल है चारों तरफ। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बता रहा था आपको कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक पिंजरा लगाया गया है और अभी हम फिलहाल उस पिंजरे को ढूंढ रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ लगाया गया है कि जो पैंथर देखा गया था वो होपफुली उसमें आके बैठ जाए और उसमें कैप्चर हो जाए, उसमें कैद हो जाए। तो मैं आपको लाइव वहाँ लेकर आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि कितना घना जंगल है, चारों तरफ ग्रीनरी है। और अगर आज खुदा ना खास्ता वो जानवर यहाँ आ भी जाए तो जान हथेली पर है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली मैं यहाँ आया हूँ, मौका मिला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राम सिंह, जो कैमरे के पीछे हैं। थैंक यू राम, आपने मेरे साथ आने की हिम्मत की और ज़रूरत की उसके लिए। दोस्तों इस मामले को लेकर लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूँगा। एक बार फिर बता दूँ, उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर के ठीक पीछे बने इतने घने जंगल में, जो मैंने भी आज ही देखा है पहली बार, इतना घना जंगल है। और वाकई में कुछ कुछ मूवमेंट्स की आवाज़ें सुनाई दे रही, तब थोड़ा सा खौफ लग रहा है। दिन के बिल्कुल दोपहर का टाइम है ये, तो भी बिल्कुल रोशनी नहीं है, सनलाइट नहीं आ पा रही, इतना घना है। चलिए आपके साथ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे वीडियो देखते रहिए, आप तक लाइव पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू।